से जहां पर पूर्व सरपंच सुनील की हत्या का मामला इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्या को अंजाम देने वाले गैंगस्टर से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गैंगस्टर कर्ण के पैर में गोली लगी है। तो पूर्व सरपंच सुनील की हत्या मामले से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी सोनीपत पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है। पूर्व सरपंच सुनील की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। हत्या को अंजाम देने वाले गैंगस्टर से पुलिस मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गैंगस्टर कर्ण के पैर में गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात तक पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी सोनीपत पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सरपंच सुनील की हत्या का मामला, तो हत्या को अंजाम देने वाले गैंगस्टर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गैंगस्टर कर्ण के पैर में गोली लगी है। देर रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। कपिल शर्मा सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, पूर्व सरपंच सुनील की हत्या मामले में अब गैंगस्टर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है? बता दें, कुछ दिन पहले नारी के सरपंच पूर्व सरपंच सुनील की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए राउंड अप भी किया था। और जो इस मामले में जिसके ऊपर परिजनों ने आरोप लगाया था, जो गैंगस्टर कर्ण है वो फरार चल रहा था, और पुलिस ने कई टीमें भी गठित की गई थी। लेकिन जो कल रात जो कर्ण का पीछा करते हुए देर रात जो है बांगर गांव के पास जो पुलिस और जो गैंगस्टर कर्ण में जो मुठभेड़ हुई है, और कर्ण ने जो पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की है, जब पुलिस ने जवाबी फायर किया है तो कर्ण इसमें घायल हो गए। पुलिस ने कर्ण को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसको करकोटा के सामुदायिक अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से भी जांच कर रही है। अभी इसी मामले में थोड़ी देर में पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। जी, पूरे मामले को अगर समझा जाए, क्या कुछ वजह यहाँ पर निकलकर सामने आई है जो कि वजह बनी पूर्व सरपंच सुनील की हत्या की? जी, अभी तक देखिए इस मामले में कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी जो घायल गैंगस्टर कर्ण है वो अभी उपचाराधीन है, और उसके उपचार के बाद पुलिस उसको पूछताछ के लिए जो है थाने लेकर आएगी और पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद ही हत्या का खुलासा हो सकता है। अभी फिलहाल पुलिस जो है थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस पूरे मामले में खुलासा करेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व सरपंच सुनील की हत्या मामले में फिलहाल गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है।